नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल इंदौर दौरे के दौरान एक निजी संस्थान में पत्रकारों से चर्चा की और प्रदेश की शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। नगर निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के खत्म होने के बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में सरकार के मंत्री विभिन्न आयोजनों में पहुंचकर सरकार की योजनाओं की उपलब्धियां और बीजेपी के मोदी कार्यकाल का जमकर बखान कर रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कमल पटेल आज इंदौर में रहे, जहां उन्होंने साउथ तुकोकन क्षेत्र स्थित एक निजी संस्थान में कांग्रेस के कार्यकाल और मोदी सरकार के कार्यों की तुलना की और कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। कमल पटेल ने भाजपा सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह जरूरतमंद लोगों को आयुष्मान योजना, विधवा पेंशन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना सहित तमाम योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश सरकार दे रही है, तो वहीं विकास कार्यों के बारे में बताते हुए कमल पटेल ने शिवराज सरकार के कार्यों की जमकर सराहना की और मोदी सरकार की तारीफ भी की। मंत्री पटेल ने एक सवाल के जवाब में कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला और कहा कि 70 साल के कार्यकाल में उन्होंने तो कुछ किया नहीं, एक पक्का मकान नहीं बनाया, एक शौचालय नहीं बनाया और अब मोदी सरकार काम कर रही है तो इन्हें तकलीफ हो रही है। तिरंगा अभियान का जिक्र करते हुए कमल पटेल ने कहा कि मोदी जी के एक आह्वान पर देश के लिए करोड़ों लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा फहराया और देशभक्ति प्रदर्शित की। इसी तरह तमाम सवालों के जवाब और सरकार की कार्य योजना की मंत्री पटेल ने जानकारी दी। कांग्रेस के नेता कभी देश का विकास नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है और 21वीं सदी भारत की सदी होगी। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि 60 साल में तुमने एक शौचालय नहीं बनाया, 60 साल में तुमने एक पक्का मकान नहीं बनाया, 60 साल में तुमने एक पीने के शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं की, 60 साल में तुमने कई सड़कें नहीं बनाई, कई बिजली की व्यवस्था नहीं की। वहीं 7 साल में मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ों शौचालय बन गए और स्वच्छ भारत किया। गांधी जी का सपना कांग्रेस ने नकली गांधी बनकर राज तो किया 60 साल, लेकिन सपना उनका पूरा नहीं किया, स्वच्छ नहीं कर पाए भारत को, लेकिन मोदी जी ने स्वच्छ किया। और मोदी जी ऐसे नेता है जो सिर्फ देश के नहीं पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। मोदी जी के आने के बाद निराशा को आशा में बदला है, असंभव को संभव किया है और नामुमकिन को मुमकिन किया। अब हर देश का नागरिक, जब यथा राजा तथा प्रजा कहावत थी, पहले जैसे राजा थे तो आजादी के बाद जिनके हाथ में 27-28 साल किया वो सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए जिए, उनके लिए किया, इसलिए जनता भी वैसी हो गई थी। लेकिन मोदी जी 2400 घंटे देश के लिए जीते हैं और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, देश को 21वीं सदी भारत की सदी बने, भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचे, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो अब देश की जनता भी 130 करोड़ जनता का दिल जीता है, विश्वास जीता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चले। उस कारण अब देश के अंदर एक नई क्रांति आई है, देशभक्ति का ज्वार जगा है। और आपने देखा कि आज़ादी के इन 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हर घर तिरंगा का जब आह्वान किया तो 130 करोड़ लोगों ने 13 करोड़ घरों के अंदर अपना तिरंगा झंडा खुद खरीद के लगाया है। ये एक प्रधानमंत्री, एक नेता देश का आह्वान करे, पूरी जनता उसको माने, ये आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है। और इसलिए हमारा प्रधानमंत्री स्वाभिमानी है, पुरुषार्थी है, चरित्रवान है और देशभक्त है। और इसलिए अब जनता भी स्वाभिमान, पुरुषार्थ, चरित्र और देशभक्त के चार गुणों से उत्प्रोत हो रही है और इसलिए अब देश बदल रहा, आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी ने जो आज, कल प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जो 5 सूत्र दिए वो हम सब भारतवासियों के लिए एक प्रेरणा है। हम सब संकल्प लें कि हम देश के लिए जिए। आज़ादी के पहले देश के लिए मरने की आवश्यकता थी क्योंकि देश गुलाम था, उसको आज़ादी दिलाने के लिए नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी पर झूले, छाती पर गोलियां खाई, पूरी जवानी न्यौछावर कर दी, बलिदान हुआ, तब जाकर हम आज़ाद हुए। लेकिन आज़ादी के बाद देश के लिए मरने की उतनी आवश्यकता नहीं, हमारी सेना, सीमा पर नौजवान हमारी सुरक्षा करते जब हम सुरक्षित हैं। केंद्र प्रदेश सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके लिए ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाएंगे, नहीं तो चप्पलें घिस जाती। जैसे आपने कहा कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए चप्पलें घिस जाती, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, पेंशन के लिए, जितनी भी योजना है, जाति प्रमाण पत्र हो, विधवा पेंशन हो, निराश्रित पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, संबल कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, जिसमें 5 लाख तक का इलाज होता है, वो घर बैठे सबके बनेंगे। हमारी ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत की टीम, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम की टीम जाएगी और एक एक घर जाकर पूछेगी आपका नाम, आपकी जन्म तारीख, आपके घर में कितने लोग हैं, आपकी जाति क्या। अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र है कि नहीं, नहीं है
तो हम उसी समय ऑनलाइन आपका आवेदन कराएंगे, आपको घर पे निःशुल्क हम जाति प्रमाण पत्र बना के देंगे। इसके बाद आप गरीब हैं तो गरीबी रेखा में नाम है कि नहीं, अगर हमने प्रमाण जांच करेंगे, अगर गरीब है गरीब रेखा का नाम कार्ड बनेगा, अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांग का वही मेडिकल करा के आपका कार्ड बनाएंगे, अगर विधवा है घर में कोई तो पेंशन के लिए उसको उसी समय देंगे। इस प्रकार सारी योजनाएं प्रधानमंत्री आवास कच्चा मकान है आपका, तो पक्का मकान बना के उसमें नाम पर शामिल कराएंगे। ये अभियान हमने आज से शुरू किया है और ये 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती तक चलेगा। पिछली बार हमने अटल जी के जन्मदिन से शुरू किया था तो मुझे बताते हुए आज खुशी है कि जहाँ 1,04,000 हरदा जिले के अंदर आयुष्मान कार्ड थे, हमने ये अभियान चलाया एक महीने में, आज 1,93,000 हो गए, यानी 89,000 हमने आयुष्मान कार्ड बनाए। प्रधानमंत्री आवास में लोगों के सर्वे में नाम नहीं थे, जितने थे बहुत कम थे, हमने 29,000 ये घर घर जाकर जो अभियान चलाया उसके कारण 29,000 हमने प्रधानमंत्री आवास के ग्रामीण क्षेत्र में नाम जोड़े, उसमें से 24,000 मकान हमने स्वीकृत करा दिए। अगर ये अभियान नहीं चलता तो ये नहीं होता, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को हम 60,000 करोड़ तनख्वाह देते हैं, चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, और इनकी दायित्व है कि शासन की जितनी योजना है वो जनता तक पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंचती थी, इसलिए हम अभियान चला के आपकी समस्या का हल आपके घर अभियान चला के हम कर रहे हैं, और ये एक अनोखा एक अभियान। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।